हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैनलएस वीडियो एंड ब्लॉग्स में। तो हम लोग आज की सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं और बहुत ही स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हम लोग हैं अभी पुणे सातारा हाईवे पर और हम लोग जाने वाले हैं एक हिल स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में ही है और हमारे यहाँ से बहुत ही पास में है, जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे महाबलेश्वर, और जो नहीं गए हैं उनको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कात्रज, और कात्रज का ये है टनल, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग हैं अभी पुणे सातारा हाईवे पर, और महाबलेश्वर जो है पुणे से 120 किलोमीटर है। ये पहला टोल आने वाला है, तो सबसे पहले टोल पे कर देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 120 किलोमीटर ही है सिर्फ हमारे यहाँ से, और लेकिन यहाँ जाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी रास्ता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कैसा रास्ता है। फिलहाल तो हम लोग हैं हाईवे पर और अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। तो सबसे अच्छी जगह है ये विट्ठल कामत, तो यहाँ हम लोग रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है और हम लोग क्या खा सकते हैं। और सुबह सुबह ना बहुत से होटल्स ओपन भी नहीं थे, लेकिन यहाँ ये ओपन था और हमें कुछ लाइट ही खाने का मन था। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था पोहा। तो महाराष्ट्र में तो वैसे आपको पता है पोहे बहुत फेमस हैं, तो बस हम लोग यहाँ पर पोहे मंगा लिए और चाय ऑर्डर की। और गाइस, अभी हम लोग सातारा हाईवे से सर्विस रोड पर आ चुके हैं, क्योंकि महाबलेश्वर जाने के लिए हम लोग को फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेना रहता है, जो कि वाई और पंचगनी होते हुए महाबलेश्वर जाता है रास्ता। तो आप लोग को ये टर्न याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को पहले सर्विस रोड पर आना है और यहाँ से राइट टर्न लेना है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं पंचगनी, जहां पर हम लोगों को एंट्री फी देनी पड़ती है, जो कि 3 दिन के लिए वैलिड होती है। और मैं आपको बता देती हूं कि पंचगनी का एंट्री फी अलग होता है, और जब आप महाबलेश्वर में एंटर करेंगे तो उसकी एंट्री फी अलग होगी, जो कि 3 दिन तक वैलिड रहती है। अगर 3 दिन में आप आते और जाते हो तो उसमें आपसे वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं।
और ये है पंचगनी का मार्केट। तो इसके पहले जब भी हम लोग आए हैं महाबलेश्वर तो हम लोग पंचगनी में ही रुके हैं, लेकिन इस बार हमारा प्लान था कि हम लोग महाबलेश्वर में रुके और वो भी हम लोग मेन मार्केट में रुके। तो बस उसी हिसाब से हमने अपना होटल बुक किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कौन से होटल में रुके हैं और उसके चार्जेस वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम लोग महाबलेश्वर में एंटर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ की एंट्री फी अलग होती है जो कि आपको पे करना रहता है, और ये भी 3 दिन के लिए वैलिड रहती है। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको, ये आपको संभाल करके रखना होता है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर के बस स्टॉप के पास में, मेन मार्केट में। यहाँ पर ही हमारा होटल है और हमारे होटल का नाम है होटल मातोश्री, जहाँ पर बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये होटल है मातोश्री। एकदम मेन मार्केट में हम लोगों ने लिया था, क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी था तो हम चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैदल वगैरह न चलना पड़े, इसलिए हमने ये अपना होटल चूज़ किया था और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर रूम्स वगैरह कैसे हैं। यहाँ पे चीकू के साथ मेरी कुछ मस्ती चल रही थी जब तक ये रिसेप्शन पे एंट्री वगैरह का काम हो रहा था, तब तक हमने सोचा यहाँ बैठ जाते हैं। आइए मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही आला सा रूम है, ये बहुत प्यारा सा बेड है, उसके साथ में दो चेयर भी दी हुई है। चेयर दिखाइए, चेयर दी हुई है। यहाँ पे विंडो है, अगर आप चाहो तो ओपन कर सकते हो। और ये है एक टीवी जिसको हम लोग बिल्कुल ओपन नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी हुई है, ये बिग मिरर, इसमें मैं रेडी हो सकती हूँ। इसके साथ में लाइट भी दिया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, वरना मेकअप के टाइम लाइट फेस पे नहीं आती है तो हम भूत बन जाते हैं। तो कैसा लगा आपको रूम? हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस वगैरह मैं सबको आपको बताऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और होटल का नाम वगैरह बताऊंगी। बंद करता हूँ।